हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निबला क्लासेस। हम नए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चंस पूरा लिखा नहीं है, मेरा बोर्ड छोटा है, तो मैंने यहाँ पर एक आपको डायग्राम जो दे रखा है आपकी बुक में वो बना लिया है। तो मैं क्वेश्चन आपको बुक में से ही पढ़ रही हूँ। विजय है मेड ए रेक्टेंगल, विजय ने एक रेक्टेंगल बनाया है। देखिए, इसमें आपको मैंने डार्क कर दिया है आपको। इसमें फाइंड इट्स पैरामीटर एंड एरिया, इसका आपको पैरामीटर और एरिया निकालना है। इसमें क्या कह रहा है नीचे, कैन यू एक्सटेंड इज लेंथ एंड वाइड इन सच ए वे, यदि क्या तुम एक्सटेंड कर लेंथ और ब्राइट को इसी वे में एक्सटेंड कर सकते हो, सो दैट इट हैज इक्वल पैरामीटर एंड एरिया, कि यह रखता है इक्वल पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम इसको जो ऊपर क्वेश्चन था उसको कर लेते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो सम ऑफ 5 सेंटीमीटर प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी तरह की है, 5 इंटू 3 बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है, क्या तुम इसको एक्सटेंड करके लेंथ और इनको तो कर सकते हो क्या, तो यस वी कैन डू सो, यस हम क्या कर सकते हैं, यस वी कैन डू सो, हम इसको इसलिए ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो हमें क्या करना है कि इसमें से क्या करना है, एक यदि देखो, इफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 सेंटीमीटर क्या कर सकते हैं, फोर सेंटीमीटर हो जाती है ना, और फिर क्या करेंगे, एंड ब्रेथ भी, एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, देन अब तब कैसे करेंगे इसको, देखिए तो वही है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ कितनी है, 4, ब्रेथ कितनी है 4, तो 2 8, तो 2 8 2 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब इसी के बाद हम करते हैं, ये तो आ गया 16 सेंटीमीटर, ये हमने निकाला था, क्या निकाला था, एरिया पैरामीटर। अब हमें को निकालना है इसी का एरिया। ठीक है, नए क्वेश्चन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ, अब देखिए एरिया बराबर क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 इंटू 4 बराबर 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीटली हो गया। ठीक है, अब पैरामीटर, इसका पैरामीटर और इसका सॉरी इसका एरिया और पैरामीटर कैसे आए, दोनों सेम आए हैं, क्या आए बेटे बच्चों, सेम आए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार पैरामीटर एंड एरिया बोथ विल बी सेम, एंड एरिया बोथ विल बी सेम। तो ये सेम हो गया, इस प्रकार लिख सकते हैं, दस पैरामीटर एंड एरिया बोथ विल बी सेम। चलिए अब नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।